सभी श्री राम भक्तों के लिए खुशखबरी। राम जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट ने भव्य राम मंदिर निर्माण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिया है। जल्द ही भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। न्यास ने उस स्थान पर भूमि पूजन संपन्न करवा दिया है जहां मंदिर बनना है। अब निर्माण का आरंभ ही बाकी है। ट्रस्ट को उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में इस राम मंदिर में श्रद्धालु पूजन अर्चन के लिए आ सकेंगे। स्थानीय लोगों में राम मंदिर के निर्माण को लेकर भारी उत्साह है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कहना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सीख, विचार, प्रेरणा देश विदेश तक और तेजी से फैलेगी। भारत को अब कोई विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता। राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट ये मंदिर थाईलैंड के अयोध्या प्रांत में बनवा रहा है, जिसका भूमि पूजन संपूर्ण विधि विधान से पिछले दिनों संपन्न हुआ। अयोध्या असल में 15वीं सदी के दौरान थाईलैंड की राजधानी थी। इसे फ्रंखोन सी अयोध्या कहा जाता था। थाई में फ्र का अर्थ है देव, नखोन, नखोन मतलब नगर और सी का अर्थ श्री होता है। इसी तरह यह देव नगरी श्री अयोध्या हुआ। जहाँ तक अयोध्या की बात है वो स्थानीय भाषा में अयोध्या ही है। भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर अयोध्या शहर में सोराय नदी के किनारे बनाया जा रहा है। ये नाम भी सरयू से मिलता जुलता है। सरयू अयोध्या शहर के बीच से होकर बहती है। यहाँ भी ये नदी शहर के बीच से होकर बहती है। दक्षिण पूर्व एशिया के इस देश थाईलैंड में बौद्ध धर्म के मानने वाले ज्यादा रहते हैं, पर हिंदू धर्म के प्रति आस्थावानों की भी कमी नहीं है। आज भी यहाँ के लोग अपने राजा को भगवान राम का वंशज और विष्णु का अवतार कहते हैं। थाई कला संस्कृति रामायण से प्रभावित है और साहित्य में रामायण और श्री राम की कथाएं बिखरी पड़ी हैं। बहुत पहले यहाँ के राजा अपने नाम के साथ राम लिखते थे। इसकी राजधानी बैंकॉक को महेंद्र अयोध्या भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि ये अयोध्या वाली अयोध्या इंद्र ने बसाई थी। फिलहाल राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट का कहना है कि अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसके चलते वहाँ राम जन्मभूमि पर रामलला के राम मंदिर बनने में देरी हो रही है। तब तक थाईलैंड की अयोध्या में ही राम मंदिर का निर्माण सही हो सकता है कि यहाँ मंदिर का निर्माण अयोध्या में मंदिर निर्माण की बुनियाद बन जाए। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।